कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में, तो वहाँ ये किचन डिजाइनिंग का काम होता है। तो इसने मेरा नंबर लिया था कि आपके घर की किचन डिजाइन करवा देंगे। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, उसका मकान बन रहा था। साल भर तब कोई कनेक्शन नहीं रहा इससे, कोई लेना देना नहीं रहा। फिर उस साल भर बाद इसने करीब मार्च में मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहती थी कि राघव मैं बड़ी परेशान हूँ, जिस लड़के के साथ रहती थी वो लड़का ने मुझे छोड़ दिया। तो बोले मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरी जो सैलरी मिली थी वो गिर गई है। तो मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तो इसने मना कर दिया। फिर अगले दिन इन्हें सवेरे फिर फ़ोन किया कि राघव मैंने चाय भी नहीं पी है, खाना भी नहीं खाया। तो मैंने कितने का तुम्हारा राशन आता है, बोले 1000 रुपये का। मैंने 1000 रुपये तो मुझसे ले लो, जब तुम्हें पैसे मिले तो मुझे दे देना वापस। तो इसने मुझे वो मुझसे वो 1000 रुपये लिए, अपना राशन वाशन लिया। उसके बाद अगस्त में इसने उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि तुम आते हो मेरे घर में, लोग देखते हैं, अब तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करो, नहीं करोगे तो मैं क्या नाम है समाज में तुम्हारी बदनामी कर दूंगी, घर पर चली जाऊंगी तुम्हारे और पुलिस में कह दूंगी। फिर अक्टूबर में आके बहुत ज़्यादा अति हो गई, बिल्कुल हर तरीके से इसने मुझसे कहना, मतलब वकीलों से मिलना और हर जगह जाना, सब जगह जाना इसने शुरू कर दिया। उसके बाद जनवरी के महीने में ये मुझसे बोली चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद हम लोग हरिद्वार गए, हरिद्वार से जब लौटे तो इसने वो जो फोटोज़ लिए थे उन्हें फिर उससे मुझे ब्लैकमेल करने लगी, फिर पैसे मांगने लगी, सारे काम करने लगी। कुछ पैसे मैंने इसे चेक से भी दिए, कुछ RTGS भी कराया इसके अकाउंट में। कितना पैसा अभी तक? लगभग 5 लाख रुपये की रकम है लगभग दे चुके हैं जी सर। एक महिला और एक गैंग महिला को आगे करके नवयुवकों को फंसा करके उनसे रुपए ऐंठने का काम कर रहा है। महिला मीठी बातें करके लड़कों से चैट में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के थ्रू उनसे दोस्ती बनाती है। दोस्ती करने के बाद जब वो दोनों साथ आते हैं, कहीं खाने पीने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ की फ़ोटो ले करके लड़के के परिवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, उससे पैसे ऐंठे जाते हैं। इस संबंध में राघव की भी दोस्ती इस लड़की से हुई, इस लड़की ने प्रेम जाल में इसको फंसाया और उसके बाद जब बाहर ही गए तो उनकी सेल्फी वगैरह ली और फिर इसी पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लगाने के नाम पर इससे अब तक 5 लाख रुपए ले चुकी है। ये रकम चेक के द्वारा और RTGS के द्वारा और नकद में दी गई है। इस सबका वेरिफिकेशन हमने कर लिया है।